नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल दीपाली आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, होता यूँ है कि हमारे घर में जो खाली बॉटल्स है उसका हम यूज़ न करते, यूज़ हो जाने के बाद उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर सोचने के बाद हम ये देख सकते हैं कि उससे हम कुछ अच्छा सा क्राफ्ट बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। मैंने क्या किया कि खाली बॉटल को न फेंकते हुए उसको एक सुंदर से क्राफ्ट में कन्वर्ट किया। कैसे किया कि मैंने एक डक निकाला और उसका भी डक निकालने के बाद उसको आउटलाइन किया और जो नाइफ जो रहता है उसकी सहायता से मैंने उसको कट कर दिया। प्लास्टिक हार्ड होने के कारण वो कट नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा कट जाने के बाद वो इजीली फिर से कट सकता है। तो मैंने धीरे धीरे करके बहुत ही सावधानी से उसको कट करना चालू किया और थोड़ी देर के बाद ही उसका जो आउटिंग एरिया है वो कट हो गया और देखो एक सुंदर सा क्राफ्ट तैयार हो गया। पेंसिल से डिजाइन किया इसीलिए उस पर वो ब्लैक कलर आ गया, इसीलिए मैंने उस पर एक्लेरिक कलर, व्हाइट एक्लेरिक कलर यूज किया ताकि उसका जो ब्लैक है वो निकल जाए और वो वाइट दिखे। तो फिर मैंने वैसे ही किया, उसको एक्लेरिक कलर से वाइट किया और फिर उसको डिटेलिंग जो है वो करना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने रेड कलर यूज किया। अगर हम एक्लेरिक कलर के डबल कोट देंगे तो हमारा जो क्राफ्ट है वो बहुत सुंदर दिखेगा और उसका जो कलर जो है वो और भी सुंदर दिखेगा। तो इसीलिए कभी भी एक्लेरिक कलर का डबल कोट अगर आप करोगे तो वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने देखो इतना सुंदर सा क्राफ्ट तैयार कर लिया। जो बॉटल में फेंकने वाली थी उसको मैंने रीयूज़ किया और उसका एक डेकोरेशन बना दिया। अभी मेरे घर में ग्रास पड़े थे, वैसे मैं रखती हूँ, मैं फेंकने दी, मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं यूज़ ही करती हूँ। तो देखो मैंने उसको यहाँ पे ये कर लिया, फिट कर लिया और देखो एक सुंदर सा क्राफ्ट रेडी हो गया। आप देख सकते हैं मैं वॉल पे मैंने इसे रख दिया तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाएंगे और अपने घर को सजाइए। धन्यवाद।